फाइनली सुबह हो गई और काफी ज्यादा बढ़िया दिन है गाइस आज का तो। ओ वेट, आज जल्दी उठ गया क्या मैं? एक सेकंड, ओ तेरी, आज तो 9 बजे उठ गया, वरना मैं रोज 10 बजे उठता हूँ। चलो सुबह जल्दी उठ गया है तो चलते हैं गाइस, मस्त एकदम नहा लेते हैं थोड़ा। देखो भाई, अपने घर में मतलब फ्रैंकलिन के घर में भाई नहाने की कोई टेंशन नहीं है। हम लोग सिंपली मतलब घर से बाहर निकले, सीधे एक जंप लगाओ, नहा लिया, सिंपली नहा लिया भाई। बहुत आसान चीज है यहाँ पर नहाना। अरे फैम, जरा बताना यार, वो किसने किया? क्या किसने कर दिया भाई? अरे यार, हमारी छत पे किसने किया वो? क्या किसने कर दिया? अरे यार, जरा छत पे देखो ना। छत पे? वेट, वो क्या है? अरे उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं हम लोग। वो किसने किया? अरे वही तो पूछ रहे हैं, वो किसने कर दिया? क्या चीज है ये? एक सेकंड गाइस, फटाफट से इसके ऊपर चढ़ते हैं और जरा देखते हैं यार क्या चीज है ये। भाई हमारी छत पे अचानक से कोई चीज कहाँ से आ गई? ओके लेट्स गो। अरे ये तो कोई पार्कोर रैंप है। ये किसने लगा दिया हमारी छत पे? और वेट, यहाँ पर कोई पेपर पड़ा हुआ है। पेपर क्या क्या लिखा हो सकता है यार? कोई नया सूट तो नहीं आया है? हो सकता है यार, क्योंकि जब जब हमारे घर में ये पेपर वैसा कुछ रिलेटेड होता है, कोई नया सूट आ जाता है। जरा एक सेकंड गाइस, जरा पेपर को रीड करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार, पेपर के अंदर लिखा है क्लियर द पार्को रेस टू विन अ सरप्राइज। मतलब हम लोगों को गाइस इस पार्को रेस को क्लियर करना होगा और फिर हम लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। बाकी ये चीज भी लिखी है कि हम लोगों को इस पार्को रेस को कंप्लीट करना है बाइक के साथ। तो ये काफी ज्यादा अजीब टास्क है भाई, बाइक के साथ क्लियर करना है तभी हमें लोगों को सरप्राइज मिलेगा। भाई मैं तो करने वाला हूँ, मुझे सरप्राइज चाहिए। वैसे पैदल होता तो ज्यादा इजी भी नहीं होता क्योंकि आगे आग जल रही है। वैसे सूट किसका हो सकता है? आई डोंट नो। और ये क्या? ओ भाई, अगर पार्कोर रैंप चैलेंज करते वक्त मैं गिरा तो सीधे यहीं पर गिरूंगा यार, बहुत ज्यादा तेज चोट लगने वाली है। और वो भी बाइक के साथ रैंप चैलेंज करना यार, मतलब बाइक पे बैठे बैठे मैं पैराशूट भी ओपन नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर रैंप चैलेंज करते वक्त मैं गिरा तो भाई हड्डी पसली टूटना तय है। और ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज है यार, बट कुछ सरप्राइज मिलेगा यार इस पार्क और रैम को क्लियर करने के बाद। मुझे वो सरप्राइज लिटरली में भाई चाहिए, तो मैं तो क्लियर करने वाला हूँ भाई, कुछ भी हो जाए। अरे मैं भी चलूंगा यार। ओए चिंचन भाई, पागल हो गया है क्या? ये कलुआ को ढंग से पार्क और क्लियर करना तो आता नहीं है, रास्ते में 2-4 बार गिराएगा, तेरी हड्डियां टूटेंगी। अरे कोई बात नहीं यार, मुझे भी देखना है आखिर में क्या सरप्राइज मिलता है। ठीक है भाई, तू भी चल लियो। और भाई पिंचन, तू चलेगा? अरे नहीं यार, मेरे को नहीं जाना। तो ये तेरा आ गए पिंचन और चौपनी जाने वाले, शिंचन जाने वाला है मेरे संग। कि पार्को रेस क्लियर करने के लिए हम लोगों को एक बाइक चाहिए और मेरे पास इस वक्त कोई बाइक नहीं है। अरे तो जाओ यार लॉस सैंटोस में से किसी की बाइक छीन कर लाओ। हाँ हाँ जल्दी से जाता हूँ गाइज, अभी लॉस सैंटोस के अंदर और किसी की मस्त वाली बाइक छीन के लाता हूँ। मुझे गाइज मतलब ऐसी हार्ले डेविडसन टाइप या नॉर्मल बाइक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम ऑफ रोडिंग वाली बाइक, कोई बढ़िया सी बाइक जिसमें मजा ही आ जाए, जिससे रैम चैलेंज जो है वो इजिली क्लियर हो जाए। बाकी यहाँ पर शर्मा जी के घर से मैंने एक गाड़ी चुरा ली है और अभी फटाफट से इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं गाइज लॉस सैंटोस में एक बाइक ढूंढने के लिए। बाकी आई डोंट नो गाइज बाइक कहाँ ही मिलने वाली है, लॉस सैंटोस में काफी कम लोगों के पास बाइक है यार। या तो लॉस सैंटोस के लोग कार चलाते हैं या फिर टैक्सी से आना जाना प्रेफर करते हैं। बाइक तो मुझे नहीं लगता इधर किसी के पास होगी, बीच साइड की तरफ बाइक वाइक कोई एक आध चलाता हुआ मिल जाएगा। बाकी हाँ इधर तो कोई भी नहीं है बाइक वाला बंदा। एक काम करते हैं गाइस, जरा बीच पर चलते हैं, देखते हैं कोई बाइक। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, काफी सारे लोग आए ही होंगे बीच पे। चलते हैं गाइस फटाफट से बीच पर, लेकर आते हैं एक मस्त वाली बाइक जिससे हमारी आज पार्क और रेस होगी, मजा आ जाएगा। चलो भाई फाइनली मैं बीच पर पहुंच चुका हूँ, आगे से बस लेफ्ट लेना है और यहाँ से कट लेना है, लेट्स गो। भाई साहब ये गाड़ी का कलर क्या मस्त लग रहा है यार, नाइस कलर। इधर चलते हैं फटाफट से, हम लोगों को बस एक बाइक चाहिए बढ़िया सी, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी गाइस पार्को रैम क्लियर करने के बाद उस साइड हमें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। अब तुम लोग गैस करो यार कमेंट में क्या सरप्राइज हो सकता है। मुझे तो सच बताओ कोई सूट लग रहा है, क्योंकि जब जब वो पेपर हमारे घर में पड़ा मिलता है कोई ना कोई सूट ही निकलता है। देखते हैं गाइस क्या पता सच में कोई सूट हो, और किसका सूट हो सकता है। बीच में आग लगी थी रैम के, आग से रिलेटेड किसका सूट है। अब जिसका भी हो यार, पहले रैम क्लियर करते हैं फिर सोचेंगे सूट के बारे में। बाकी कोई बाइक वाइक वाला बंदा है इधर कहीं पर? हेलो भाई, कोई बाइक वाइक लेकर आया बीच पे? भाई कोई बाइक वाला है इधर? बाइक लेकर कोई नहीं आया, साइकिल वाले बंदे इजिली मिल जाते हैं बीच पे। बाकी हाँ बाइक वाला कोई नहीं दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल, आगे चलता है गाइस। बाकी भी एक सेकंड, मुझे एक बाइक वाला बंदा दिख रहा है, और ये क्या लॉस सैंटोस के समुद्र के नजारे ले रहा है? कोई बात नहीं भाई, तू मजे से नजारे ले, मैं इसकी बाइक लेके जाता हूँ। लेट्स गो लेट्स गो। ये एक थप्पड़ इसका धर ही दूं। यहाँ पर क्या कर रहा है तू? तेरे रैपिड मार के आया हूँ, मैं सोच रहा था यार आराम से चले जाएंगे, फालतू बोल रहा था, धर दिया एक। चलो भाई मस्त वाली बाइक मिल गई, इसने मोबाइल
से कुछ रिकॉर्ड किया तेरी ऐसी की तैसी करेगा रिकॉर्ड है बे तो रिकॉर्ड करेगा क्या रिकॉर्ड करेगा करके दिखा चल निकल गया ये भी और कोई तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ना अरे अब इसने रिकॉर्ड कर लिया क्या ड्रामा चल रहा है ये मैं जिसको भी पीट रहा हूँ कोई ना कोई फोन से रिकॉर्ड ही कर रहा है ओए ऊपर उस पीली वाली ने रिकॉर्ड कर रहे यार दिमाग खराब करके रख दिया है यहाँ के तो लोगों ने भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से और वैसे भी अपने को अब कुछ चाहिए भी नहीं यहाँ से अपने को गाइस एक बाइक चाहिए थी और एकदम मस्त वाली ऑफ रोडिंग वाली बाइक मिल गई है अब क्या चाहिए यार लाइफ में मस्त चलते हैं पार्क और रैम्प क्लियर करते हूँ और काफी ज्यादा दिनों के बाद में कोई पार्क और रैम्प चैलेंज करने वाला हूँ बाकी देखते हैं गाइस इस पार्क और रैम्प से हम लोगों को कौन सा सूट या फिर क्या ही चीज मिलती है क्या ही सरप्राइज मिलता है लेट्स गो चलो भाई सब बीच से आखिरकार मैं लौट ही आया और काफी ज्यादा टाइम लग गया यार वहां से वापस आते आते कोई बात नहीं टाइम की लिमिट नहीं है अपने पास जल्दी से घर चलते हैं और पार्क को रेस क्लियर करते हैं वैसे पार्क को रेस करने की क्या जरूरत है मैं यहीं से डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता देखता हूँ एक सेकेंड कोई रास्ता ओ भाई पुलिस आ गई मेरे इधर एंटर करते ही निकल लो भाई यहाँ से ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह है भाई लिटरली मैं पुलिस आ गई पीछे जैसे ही मैं अंदर गया इस बाइक लेके पुलिस आ गई भाई पीछे इसलिए मुझे लगता है पार्क को रेस क्लियर करके जाना ठीक रहेगा उस छत के ऊपर और वैसे भी पता चला मैं चीटिंग करके गया मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं मिला इसलिए पहले पार्क को रेस क्लियर करके पहुंचते हैं गाइस उस छत पे और देखते हैं आखिरकार हमें सरप्राइज क्या मिलता है लेट्स डू दिस मजा ही आ जाने वाला है आज तो इस बाइक को छत पे लेके जाना है छत पे ले जाना काफी इजी है यहाँ पर पहाड़ के ऊपर जाऊंगा मैं और यहाँ से सिंपली एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जंप लगाऊंगा अरे अरे कैसी जंप लगी है अरे मेरे को ब्यूटीफुल सी जंप चाहिए थी यार क्या ही हो रहा है ये मेरे संग काफी ज्यादा गलत चीज हो रही है बट कोई बात नहीं हम लोग पार्क को रैम क्लियर करके अरे यार फिर से नहीं गई है बाइक क्या ही हो रहा है आज तो हमेशा मैं एक जंप में इस बाइक को छत के ऊपर पहुंचा देता हूँ बट आज देखो भाई दो दो बार जंप लगा ली पहली तो फ्लॉप ही हो गई दूसरी बार मैं पहुंचा ही नहीं और तीसरी भी फ्लॉप क्या हो रहा है आज ये इस बार तो पहुंच के ही रहूंगा मैं कुछ भी हो जाए कम ऑन हाँ पहुंच ही गया फाइनली आज अभी इंजन तो चलने वाला था मेरे संग अरे यार मैंने थोड़ा प्लान बदल लिया यार क्या हो गया भाई अरे मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है यार ओए चल बे पहले तूने हाँ बोला था अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा अरे यार सॉरी यार मैं नहीं आ सकता नहीं नहीं भाई चलना ही पड़ेगा तेरे को भाई साहब जा भाई चिंचन तूने ही पहले हाँ बोला था अरे यार मैं सोच रहा हूँ अगर ये फैंडिया बार बार गिराएंगे तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी लेकिन देख भाई अब तूने पहले कह दिया था हाँ अब तू ना नहीं कह सकता ठीक है यार चलो चलो गाइस फटाफट से चल तो अपने संग शिंचन भी चलने वाला है भाई नखरे दिखा रहा है एंड में चलना तो पड़ेगा ही भाई से हाँ कैसे बोला इसने अब चलते हैं फटाफट से पार्क को रेस क्लियर करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है अरे मैं आ तो गया लेकिन प्लीज गिराना मत तुझे लगता है यार शिंचन मैं तुझे गिराने वाला हूँ अरे यार बोलते बोलते ही गिरा दिया आगे जाकर क्या ही हाल होगा तुम्हारा कुछ हाल नहीं होगा भाई वो तो थोड़ा एक्साइटमेंट में गिर गए हम लोग वरना गिरने वाला नहीं था मैं चलो दोबारा चलते हैं ये क्या हो रहा है यार शुरुआत में ही चलो भाई हेलमेट पहन लिया है अरे अपने लिए हेलमेट लेकर आ गए मेरे लिए भी लेकर आओ यार अरे ठीक है यार अब तू ऐसी रह बस अब चलो भी ओके गाइस चलते हैं फटाफट से यहाँ पर ओके देखते हैं क्या सरप्राइज मिलने वाला है हम लोगों को बाकी लेट्स गो ओ भाई ये सारे रैंप मैंने एक ही बार में क्लियर कर दिए अरे यार क्या पता है ऐसा भी हो जाए तुम पूरा पार्क को रेस क्लियर कर लो बिना गिरे हाँ बिल्कुल हो सकता है बट मुझे नहीं लगता यार ऐसा होने वाला है वो देखो सामने कैसे घूमते हुए पंखे हैं उनके बीच में से कैसे जाऊंगा यार मैं बिना गिरे बाकी चलते हैं गाइस थोड़ा सा आगे लेट्स गो कम ऑन अरे नहीं अरे यार पहली बार गिर गए बट एक चीज बढ़िया है गाइस दो बार हम लोग गिर चुके हैं एक तो रैम स्टार्ट करने से पहले ही और एक रैम के बीच में बट एक बार भी हम लोग मतलब रियलिटी में नहीं गिरे मतलब हम लोगों को चोट नहीं लगी है बस ऐसे ही रैम से गिरे हैं और बाइक पे टिक के रह गए हैं ऐसे गिरते हैं तो कोई टेंशन नहीं है अगर बाइक से गिर जाए और ऐसे चोट वोट लग जाए तब दिक्कत आती है बाकी लेट्स गो गाइस पिछली बार ट्राई किया था मैंने फेल हो गया था ये फिसल गया था एक्चुअली मैं साइड में इस बार नहीं ओह नाइस आराम से प्यार से बिल्कुल ओके फुल स्पीड अरे नहीं नहीं अटक गए अरे झाड़ियों में अटक गए ओ नहीं नहीं गरे गरे गिरे गिरे ओ तेरी लग गई रे अरे बहुत तेजी लग गई यार कोई बात नहीं इसी की बात कर रहा था मैं ऐसे नहीं गिरना चाहिए लेकिन गिर गए यार क्या करें अब भी ये तो काफी हार्ड पार्क को रैंप लग रहा है एक तो गाइस पार्क को चैलेंज हार्ड है और दूसरी चीज गाइस काफी ज्यादा दिनों के बाद मैं कोई पार्क को रेस कर रहा हूँ इसलिए भाई प्रॉब्लम्स तो होनी आम बात है और लो भाई आ गए फिर से चलो करते हैं वापस से ये सब क्लियर पेड़ वाला पार्ट तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है कम ऑन आराम से
ओके आगे झाड़ियां हैं, इनसे बच के, टहनियों से बच के, कम ऑन आगे आगे। ओए ओए जल रहा, ओए पीछे ही रहना पड़ेगा। अरे आग के अंदर से कैसे निकलोगे यार? निकल जाएंगे भाई, टेंशन ना ले तू। ओके थोड़ा पिछवाड़ा जलेगा, संभाल के। अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। ओके आगे आगे आगे। अरे अरे धक्का दे दिया, अरे पंखे ने गिरा दिया यार। कोई बात होती इतनी मुश्किल से तो वो पार करके मैं पहुंचा था, पंखे ने गिरा दिया। ये तो काफी मुश्किल है यार। आज तो गाइस सच में ही हालत खराब होने वाली है। अरे जल्दी चलो, पीछे गरम गरम लग रहा है यार। हाँ चल रहा हूँ भाई, सोच रहा हूँ आखिर में इस पंखे को कैसे डॉच करना है। लेट्स गो, ये पंखा जैसी सीधा होगा ना भाई, मुझे वैसे ही भगा लेना अपनी बाइक को। ये कम ऑन कम ऑन। ओह ओह शिट, नहीं हो पाया। मेरे पास फाइनली एक आइडिया इस पंखे वाले सेक्शन को क्लियर करने का, मैं इस पंखे के ऊपर से ही जंप लगाऊंगा। या कम ऑन लेट्स गो। हो गया हो गया हो गया हो गया। ओह जल रहा जल रहा जल रहा जल रहा। ओ वेट, ओह ओ भाई साहब, अब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं गाइस बाइक को लेकर। बाइक को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। अरे यार आगे क्या क्या है वो, मेरे को तो यहीं से देख के डर लग रहा है। अरे पहले बाइक को सीधा करो यार। कैसे सीधा करूँ, पीछे आग जल रही है अपने। अरे यार रैम चैलेंज में आग कौन लगाता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ वेट वेट वेट, अरे अरे गए गए गए। ओ गए यार, इतनी मुश्किल से पहुंचे थे। इतनी बार गिरने के बाद गाइस फाइनली हम लोग इस वाले सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। और भाई बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पर तो पहुंच के, क्योंकि नीचे देखो एक बार तुम, नीचे भाई पक्की जमीन है और आगे तो और ज्यादा गहरा गड्ढा होने वाला है। भाई बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे, अगर यहाँ गिरे तो बहुत चोट लगेगी। ओके ये क्या है, ब्रेकर। ओके और आगे, बहुत ही बढ़िया। ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा सा अपने को हेल्प हो रहा है। बाकी अब इधर से मैं इधर कैसे जाऊँ, थोड़ा सा बाइक को मोड़ना पड़ेगा यार। तुम लोग एक काम करो यार, फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, ताकि हम लोग इस पार्कोर चैलेंज को क्लियर कर पाए। जैसे ही तुम लोग लाइक करोगे, हम लोग जल्द से जल्द क्लियर कर पाएंगे यार। अरे हाँ यार, फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। लेट्स गो, इधर थोड़ा सा आगे आगे आगे। अरे कम ऑन कम ऑन, बहुत ज्यादा मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ यार। ओ ओ ओ, व्हील फिसलना नीचे। कम ऑन लेट्स गो, फिर सामने ये घूमता हुआ पंखा है। अरे पिछली बार बड़ी मुश्किल से पार किया था यार इसको, इस बार कैसे पार करूँ। कोई बात नहीं, ये गए, फिर से आ चुका है यार, फिर ये घूमता पंखा अपना इंतजार कर रहा है। बट इस बार तो इसे क्लियर करके रहूंगा। कम ऑन लेट्स गो। देखा भाई तुम लोगों ने क्या एपिक क्लियर किया मैंने। यहाँ से भी इसके ऊपर कैसे जाऊँ, क्लियर कट बीच में गैप है यार। ओके हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से आराम से आराम से। ओके भाई अब तो बढ़िया कर रहा हूँ मैं। ओहो प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी अपनी बढ़िया वाली। अब यहाँ से नीचे डायरेक्ट जंप लगानी है, और ये तीन तीन क्या है, ऐसे बस उलझाने के लिए है। हमें तो गाइस सीधे ही जाना है, और हम लोग काफी करीब है यार। लेट्स गो, एक आध और बढ़िया सी जंप लग जाए, हम लोग बस पहुंच जाएंगे। अरे लगी, चलो चलो जल्दी, हम लोग पहुंचने वाले हैं यार, मजा आ जाएगा। चलो भाई यहाँ तक तो पहुंच ही गए, बस ये ब्लैक वाला पार्ट कम्प्लीट करना है। काफी ज्यादा पतला है यार ये वाला जो हिस्सा है, बट कोई बात नहीं, अपनी बाइक उससे भी पतली है, हम लोग बैलेंस कर पा रहे हैं इजली। यहाँ से इधर आ गए, और फाइनली फाइनली गाइस हम लोग सरप्राइज की तरफ बस पहुंच चुके हैं। सरप्राइज में मिला हम लोगों को कुछ भी नहीं। क्या है ये भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आग जल रही है बस, क्या सीन है ये। और फिर से एक पेपर है यहाँ पर, पेपर तो इधर चिपका ही रखा है, जरा पेपर पे देखते हैं गाइस अब इस पेपर पे क्या लिखा है। तो जैसा कि गाइस तुम लोग इस पेपर पे देख सकते हो, इस पे लिखा है कि ब्रेक द केज एंड स्टैंड इन फायर फॉर 2 मिनट्स फॉर एपिक सूट। मतलब हम लोगों को गाइस इस केज को तोड़ना है, इसके अंदर जो आग जल रही है उस पे 2 मिनट के लिए खड़े होना है, और फिर हम लोगों को मिल जाएगा वो एपिक सूट। क्या इस आग के अंदर 2 मिनट तक खड़े रहना पड़ेगा, चलो वो तो हो जाएगा, बट इस केज को कैसे तोड़ूं मैं? मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आइडिया, मैं काफ़ी सारे वेपन्स लेकर आया हूँ, वो शायद काम आ जाएंगे। तुम लोग देख सकते हो गाइस लिटरली मैं बहुत सारे वेपन्स है, काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्यों भाई शिनचैन? अरे हाँ यार, थोड़ा पीछे चलो और फिर ब्लास्ट करना। चलो भाई साहब, क्लियर तो कर दिया हम लोगों ने रैंप, इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है यार। लेट्स गो लेट्स गो। अरे अरे नीचे ना गिर जाऊँ मैं। भाई आगे जाना जितना मुश्किल होता है, रिवर्स तो उतना ही मुश्किल है। जो भी हो, आ ही गया इस फाइनली प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा और पीछे चलते हैं भाई, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पता चला हम लोग ब्लास्ट के साथ खुद उड़ गए। अब यहाँ से जंप करके मैं इधर आ चुका हूँ, अब फटाफट से चलते हैं गाइस। अरे कैसे गिर रहा हूँ मैं, अरे संभाल गए यार। अब फटाफट से गाइस इस केज को ब्रेक करते हैं, और इसके अंदर जो आग है वहाँ पर खड़े रहेंगे हम लोग 2 मिनट के लिए। ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।
ओके, बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स है यार मेरे पास। मैं बहुत सारे वेपन्स लेके घूमता रहता हूँ संग में। आई थिंक इतने में एक केज ओपन हो जानी चाहिए शायद, मे बी। ओके गाइज, एक काम करता हूँ, मेरे पास जितने वेपन्स है सारे यूज कर डालता हूँ। ये तो हो गए सारे स्टिकी बॉम्ब्स, ठीक है। अब इसके अलावा गाइज मेरे पास काफ़ी सारी माइंस भी हैं, और माइंस और ये स्टिकी बॉम्ब से एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखो 5 माइंस है वैसे मेरे पास सिर्फ। ये अभी ना ब्लास्ट हो जाए प्लीज़। अरे अभी मत ब्लास्ट हो जाना भाई, मैं भी उड़ जाऊँगा वरना संग में। अरे अभी ओ भाई साहब, ओ खुले बे केज, खुले क्या? अरे नहीं यार अभी तो नहीं खुले। अबे यार, एक तो नीचे भी गिर गया, केज भी ओपन हुए। चलो यहाँ से तो चढ़ जाऊंगा मैं ऊपर वापस। भाई इतने तगड़े ब्लास्ट की केज ओपन ही नहीं हुए। नहीं यार कुछ भी ओपन नहीं हुआ। अरे कैसे ओपन होंगे फिर ये सारे केजेस? स्टिकी बॉम्ब्स भी मेरे खत्म हो गए। क्या फेंकू इसके ऊपर स्नोबॉल्स? वेट, आग ना बुझ जाए इस स्नोबॉल से। नहीं यार कुछ नहीं हो रहा इससे। मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे पास लिटरली में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला आइडिया है। ये मोलोटोव, इससे शायद कुछ हो जाए। तो बस जल रहा है यहाँ से। हाँ मेरे पास ये जेरी कैन है। रुक जाओ गाइस, या आग बुझने दो फिर उसके बाद हम लोग इधर असली खेल करने वाले हैं। अरे यार ये पिंजरा लिटरली में खुल क्यों नहीं रहा है? इसके ऊपर चढ़ू जरा? नहीं यार नहीं खुल रहा ये। खुल जा, पता नहीं कैसे ही ओपन हो गए हैं यहाँ पर। बाकी बहुत तगड़ी वाली आग लग गई है। अरे यार जल्दी करो अपना काम। हाँ कर रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत से हम लोग यहाँ पर आए हैं पार्कौर चैलेंज करके। अपना सूट तो लेकर ही जाऊंगा मैं। पता नहीं गाइस फायर में रहने के बाद हमें क्या सूट मिलेगा, बट जो भी मिलेगा एपिक ही होगा, क्योंकि बहुत तगड़ा हम लोगों ने पूरा पार्कौर रेस कम्प्लीट किया है यार। कई बार गिरे हैं यहाँ से हम लोग नीचे, हालत खराब हो गई गिरते गिरते। बाकी आग बुझती क्यों नहीं है? एक सेकेंड, इस आग को पहले मैं ही बुझा देता हूँ, मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं आग बुझाना। हटो भाई, आग बुझाता हूँ अभी मैं। अरे आग नहीं बुझ रही सच में, ये आपको क्या हो गया? अरे आग नहीं बुझ रही है भाई, मुझे ये आग बुझानी थी यार, क्योंकि मुझे इधर टेस्टिंग करनी थी और वेपन्स की, जिससे ये केज खुल सके। केज तो खुलने वाली है नहीं। ये आग, चलो आग बुझी नहीं अभी तक। क्या हो रहा है ये? स्नोबॉल्स फेंकू क्या इसके ऊपर? बुझ जा। ओ नाइस, स्नोबॉल्स काम कर रहे हैं यार, सच में आग बुझा दी। अब यूज करते हैं गाइस यहाँ पर जेरी कैन को, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस तरीके से और इधर से यू और यहाँ से बस 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 बस। अब यहाँ से फटाफट से आग लगाते हैं और देखते हैं गाइस ये केज ओपन होता है या फिर नहीं। यहाँ से आग, अब कौन जल रहा भाई, कौन चिल्ला रहा है यहाँ पर? ये तो होटल है ना, होटल में शायद कोई ठहरा होगा। और ये आग नीचे क्यों लग गई? अच्छा जो भी मैंने फ्यूल डाला वो नीचे बह गया क्या? अरे यार ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। नाइस, मेरे पास फाइनली एक मस्त आइडिया आ चुका है। मैं यूज करने वाला हूँ गाइज यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी काफी ज्यादा दूर रह के, यहाँ से यूज करूंगा मैं। लेट्स गो। अरे वो ग्रेनेड लॉन्चर भी उछल रहे हैं भाई, टकरा के इधर उधर भाग रहे हैं। अबे यार कोई बात होती है, मेरा तो कोई प्लान ही वर्क नहीं कर रहा भाई। ये देखो ये फुदक फुदक के कहाँ भाग रहे हैं सारे ग्रेनेड्स। अरे यार ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, एक और आइडिया, एक और आइडिया, एक और आइडिया। मशीन गन्स शायद नहीं, तो इसके अलावा ये रॉकेट लॉन्चर्स, ये क्या है, छोटे वाले ग्रेनेड लॉन्चर। ये लिटरली में छोटा एक ग्रेनेड लॉन्चर है। ये सही ग्रेनेड लॉन्चर है यार, इसका ग्रेनेड वहीं टिक रहा है। अरे नहीं भाई इसका भी उछल रहा है, क्या करूं मैं? वेट, ये नीचे क्यों गैप है? कहीं ऐसा तो सीन नहीं है कि मैं नीचे अगर फायर वायर करूं, फायर नीचे ग्रेनेड रखूं, नीचे बॉम्ब्स रखूं, तब शायद ये ओपन हो जाए। वेट गाइस, मुझे तो लग रहा है यही सीन है, शायद नीचे ग्रेनेड, तभी तो ये बीच में इतना गैप है और तभी तो ये नीचे एक और रेड कलर का प्लेटफॉर्म है। मुझे समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ गया यार। मतलब अपने को फोकस करना है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के नीचे, मतलब बीच में ब्लास्ट करने का। इधर की साइड देखो, इधर देखो यार, इधर हम लोगों को ब्लास्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद ये खेज ओपन हो। लेट्स गो, मजा आ गया भाई, मैंने यहाँ पर जो रिडल थी उसको सॉल्व कर लिया है। लेट्स गो, यहाँ लॉन्च करते हैं काफी सारे। अरे सारे फुदक्के इधर क्यों भाग रहे हैं? रुको मेरे पास दूसरा आइडिया है, मैं काम करता हूँ गाइस, आरपीजी का यूज करता हूँ इधर। ओ वेट, खुला, ऊपर का गेट हिल रहा है, वो शायद ओपन हो रहा है, शायद ओपन हो रहा है। मुंह पे क्यों ब्लास्ट कर रहा हूँ मैं? मैंने डिकोड कर लिया गाइस, हमें इसके बीच में ही ब्लास्ट करना है ताकि ये ओपन हो जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो चार और ग्रेनेड्स फेंकते हैं इधर की साइड, अरे बीच वाले गैप में। यस लेट्स गो, एक और बीच वाले गैप में, एक और बीच वाले गैप में, बहुत ही बढ़िया। ओ केज ओपन हो गया, केज ओपन हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया। अब इसको पूरी तरीके से ओपन करने के लिए शायद मुझे लगता है यहाँ पर दो चार ब्लास्ट करने पड़ेंगे। लेट्स गो, भागते हैं फटाफट से इधर। अरे कहाँ कूद गया मैं?
अरे यार क्या एज पे अटकाऊं, नीचे ना गिर जाऊं मैं। बच गया बच गया बच गया, चलो वापस चलते ऊपर। फाइनली गाइस जो केज है वो ओपन हो चुका है और लिटरली मैं अब थोड़ी ही देर में ये आग हमारे सामने होगी। चल भाई तू भी हट जा ओए ऊपर वाले केज, मजा ही आ गया यार। अरे फैम आप फटाफट से यार 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ आग पे और पहनो सूट। हाँ हाँ रुक जाइए, पूरी तरीके से जाली हटा लेंगे। एक और आरपीजी का ब्लास्ट करता हूँ, रुक जाओ यार। ये इसकी ऐसी की तैसी हट भाई साहब, सारी जालियाँ हटा डाली है यहाँ पर। अब ये जो आग है गाइस इसके ऊपर 5 मिनट तक खड़े रहना है। एक काम करता हूँ इन सारी लकड़ियों को नीचे उतार लेता हूँ फिर उसके ऊपर स्टैंड होते हैं, या फिर इसके ऊपर भी डायरेक्टली जा सकता हूँ। हाँ इसके ऊपर जा तो सकता हूँ मैं। तो चलो गाइस यहाँ पर अपने 2 मिनट तक मैं खड़े रहता हूँ और देखते हैं 2 मिनट बाद हम लोगों को कैसा एपिक सूट मिलता है। जल्दी करो यार जल्दी करो। हाँ हाँ 2 मिनट भाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बस 2 मिनट खड़े रहना है, देखते हैं क्या सूट मिलता है हम लोगों को। ओके गाइस 2 मिनट पूरे होने, बस 10 सेकंड रह चुके हैं। 3 सेकंड और 3 2 1। ओ भाई साहब, अरे फैमे यार ये तो घोस्ट राइडर का सूट मिल गया तुम्हें। घोस्ट राइडर का सूट तो मिला है गाइस, बट मुझे लग रहा है इसके साथ कुछ एपिक पावर्स भी मिली हैं, क्योंकि ऐसा घोस्ट राइडर का सूट तो मेरे पास ऑलरेडी था। अरे इधर मत आना यार, तुम खामखा मेरे में भी आग लगा दोगे। अच्छा तो तू नीचे कैसे जाएगा? वो तो मैं खुद ही कूद के चला जाऊंगा। अरे भागो। अबे ये तो सच में ही कूद के भाग गया यार। अबे शिनचैन भाई आ रहा हूँ ना मैं, मेरे पास बिल्कुल मत आना यार, जला दोगे तुम मुझे। अरे ये तो खामखा डर रहा है यार, कहाँ गया ये? लिटरली मैं गाइस शिनचैन का बच्चा बहुत ही ज्यादा डरपोक है, एक नंबर का। अरे मेरा पैराशूट में भी आग लग गई। अरे यहाँ से भागो यार, तुम क्या मेरे पास ही आ रहे हो? अबे यार तू तो बेफालतू में डर रहा है भाई शिनचैन। अरे भागो भागो भागो, यहाँ से मेरे में आग लगाओगे तुम। अरे यार ये सच में ही काफी बड़ा डरपोक है, मेरे से मत डर। अबे सारे ही लोग डर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने जब से घोस्ट राइडर का सूट पहना है। अबे भाई तू मत डर भाई, मैं खतरनाक नहीं हूँ। अरे यार अभी तक नहीं थे लेकिन अब खतरनाक हो गए हो यार। अबे यार मैं नहीं जलाऊंगा तुझे। अरे सच में ही जला दोगे, जाओ ना यहाँ से, मानते क्यों नहीं। अरे यार ये शिनचैन का बच्चा तो गाइस लिटरली मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक निकला, अलग ही भाग गया यार। बताओ इसे लग रहा है कि मैं इसे जला दूंगा, बताओ यार ऐसा कुछ करता है? अब यही गाड़ी है, मैं इसके जस्ट बगल में खड़ा हूँ, मेरे बगल में खड़े रहने से क्या इस गाड़ी में आग लग जाएगी? सच में आग लग गई है यार, क्या आग लग गई है लिटरली में। मतलब ये गाड़ी थोड़ी ही देर में गाइस ब्लास्ट भी हो जाएगी। और चलो शिनचैन का डरना मतलब जायज था, सच में ही मैं खतरनाक बन चुका हूँ और काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस इस एपिक घोस्ट राइडर के सूट के साथ, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये मेरी पहली पावर है जिसमें मैं आग लगा सकता हूँ। अब बाकी पावर्स देखने के लिए रेडी हो जाओ गाइस, बट उससे पहले अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यस गाइस अभी कभी जाओ फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना गाइस। और कमेंट में बताओ यार क्या लगता है क्या क्या पावर्स होंगी मेरे पास। चलो पहली पावर तो मैंने तुम लोगों को दिखा दी, ये अपनी मस्त वाली आग लगाने वाली, जैसे ही यहाँ पर गाड़ी है इसके बगल में मैं बस 1-2 सेकंड खड़े रहूंगा और बस इस तरीके से आग लग जाएगी। लिटरली में बस 1 सेकंड के अंदर आग लग जाती है। ये देखो भाई इस व्हील के पास आया मैं और यहाँ पर ये लग गई आग, फिर यहाँ पर पीछे गया ये लग गई आग, भाई लिटरली में 1 सेकंड का काम है बस। चलो दूसरी पावर्स दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पर काफी सारे लोग जल रहे हैं भाई मेरी पावर्स वगैरह देख देख के। बाकी ओ भाई एक लॉट मारते ही गाड़ियां ब्लास्ट हो रही है। ओके ये सेकंड पावर है गाइस हमारी, एक पावर तो थी जिसको मैं टच करूंगा उसमें आग लग जाएगी, दूसरी है गाइस लॉट मारते ही गाड़ियां ब्लास्ट होंगी। इसके अलावा मेरे पास एक फायर बॉल वाली पावर भी है, देखते ये कैसे वर्क करती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई कैसे कौन सी पावर वर्क करती है, रुक जाओ मैं ट्राई करता हूँ 1 सेकंड ये वाली पावर कैसे वर्क करेगी। हेलो भाई साहब, अरे तो लात ही मार रहा हूँ मैं सबको, फायर बॉल कैसे आएगी? अरे भाई साहब यहाँ पर तो आग बुझाने वाले हैं ये लोग, मेरे पे ही आग बुझाने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ भाई तुम लोग मेरी आग बुझाओगे हैं, घोस्ट राइडर की आग बुझाओगे तुम लोग, इतना दम हो गया तुम लोगों में, मान क्यों नहीं रहे तुम लोग, क्या कर लोगे भाई तुम लोग मेरा, मान ही नहीं रहा भाई इनमें से कोई। बाकी मैं फास्ट भी दौड़ पा रहा हूँ, क्या बात है भाई। और घोस्ट राइडर हूँ तो घोस्ट राइडर के पास स्पेशल बाइक तो होनी चाहिए, बाकी उस बाइक के बारे में बाद में सोचेंगे गाइस। अभी थोड़ी मैं तुम लोग को अपनी एक्स्ट्रा वाली एकदम स्पेशल वाली पावर्स दिखाता हूँ। क्या ड्रिफ्ट थी ये, बाकी इस बाइक के अंदर आग क्यों नहीं लगी? हेलो हेलो भाई आग क्यों नहीं लगी? शायद ये मेरी बाइक है इसीलिए। और वो बाइक गिर नहीं रही है, क्या बात है, ये बाइक गिरती क्यों नहीं है यार, स्पेशल बाइक है ये तो एकदम। ये देखो इस बाइक को मैंने छोड़ा, अब मैं इसमें एक लात मारूंगा जोरदार। भाई ये बाइक लिटरली में गिर नहीं रही है और इसके अंदर से फ्यूल लीक कर रहा है, ओ तेरी क्या लात थी ये। भाई साहब घोस्ट राइडर की पावर्स के साथ अलग ही मजे आ रहे हैं। वेट मेरी आग कहाँ गई?
ओके आ गई भाई, आग मेरी वापस आ गई। और यहाँ पर तुम लोग देखो गाइस मेरी थर्ड पावर जो कि है कि मैं एक आग का गोला फेंक सकता हूँ। लेट्स सी। ओ भाई सच में मैं घोस्ट राइडर हूँ और मैं लिटरली मैं गाइस एक आग का गोला फेंक सकता हूँ। ये तो सबसे एपिक पावर लगी यार मेरे को। ये देखो मैं एक फायर बॉल फेंक सकता हूँ और यहाँ पर काफी सारे लोग दौड़ रहे हैं। हेलो पीपल्स, ये लो भाई। ओ भाई आग के गोले जबरदस्त है यार। इसके अलावा गाइस तुम लोग देख सकते हो भाई कैसी कैसी पावर्स है मेरे पास। लिटरली मैं टच करके किसी को भी आग लगा सकता हूँ। दूसरा मैं लात मार के गाड़ियों को ब्लास्ट कर सकता हूँ। तीसरी पावर तुम लोग देख सकते हो गाइस मैं काफी एपिक वाले फायर बॉल्स फेंक सकता हूँ। और ये फायर बॉल्स लिटरली मैं काफी ज्यादा ऊंचे भी हो सकते हैं, बिल्डिंग पे भी थ्रो कर सकता हूँ। यानी अगर कोई प्लेन व्लेन हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर होगा भाई वो भी नहीं बच पाएगा मेरे इन फायर बॉल्स से। ओ तेरी, वहां पर देखो गाड़ियां जा रही है, वहां पर फेंकता हूँ। अच्छा वहां पर जाने से पहले ये फायर बॉल्स जो है बुझ जाते हैं। ओके गॉट इट भाई, मजा ही आ गया फायर बॉल्स फेंक के। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गाइस अपनी अब तक की सबसे तगड़ी पावर जो कि है लिटरली मैं सबसे खतरनाक। और वो पावर देखने के लिए भाई तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अपनी जो लास्ट वाली पावर है वो कैसे वर्क करती है, एक सेकेंड। ओ वेट, इधर कुछ हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। समझ गया शायद मैं। ये जैसे फायर ब्रिगेड का व्हीकल है और इसको मैं ब्लास्ट कर सकता हूँ। समझ गया। तो ये इस वाली पावर के अंदर मैं किसी भी चीज के अंदर कोई खतरनाक वाला ब्लास्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अब सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया, वो भी बिना टच किए। अब जैसे ये जीप जा रही है, मैंने इसको टच भी नहीं किया, देखो उसके अंदर मैंने आग लगा दी। यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, देखो भाई मैंने इसे टच भी नहीं किया और लिटरली में ये अब ब्लास्ट हो जाएगी। ओ यार ये सबसे तगड़ी पावर लगी है मेरे को अभी तक। मतलब सबसे पहली पावर टच करके आग लगाओ, दूसरी पावर लात मार के ब्लास्ट करो, तीसरी पावर फायर बॉल फेंको, और लास्ट पावर गाइस बिना किसी भी चीज को टच किए मैं गाड़ी में मतलब किसी भी चीज में आग लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक खंबा है, खंबे के अंदर आग लगा दूँ, देखो भाई खंबे के अंदर आग लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सामने एक गाड़ी आ रही है बिना टच के गाड़ी के अंदर ब्लास्ट, यहाँ पर एक और गाड़ी आ रही है बिना टच के गाड़ी के अंदर ब्लास्ट। यार ये तो सबसे एपिक पावर है यार। यहाँ पर देखो एक बंदा दौड़ रहा है, मैं उससे कोसों दूर हूँ, आग लगा दी भाई बंदे के अंदर मैंने। यहाँ पर दो बंदे आ रहे हैं मेरी तरफ, आग लगा दी। भाई साहब ये अभी तक का सबसे स्पेशल घोस्ट राइडर का सूट मिला है मुझे, और जंप भी काफी एपिक लगा रहा है भाई अपना घोस्ट राइडर। ये तो भाई सबसे मजेदार सूट मिला है मेरे को अभी तक। ये देखो गाइस पार्किंग के अंदर गाड़ी कितनी ज्यादा दूर है, यहीं से आग लगा दूंगा और मेरी आग कैसे गायब हो गई पता नहीं। गाइस क्या ही पावर्स है इसकी, इसका भी कुछ मतलब होगा, मेरी आग बार बार गायब हो जाती है। और जो भी हो गाइस तुम लोगों अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके ऑन कर देना। बाकी गाइस कमेंट में जरूर बताना तुम लोगों को ये घोस्ट राइडर का सूट कैसा लगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।